अभिनंदन समारोह की अध्यक्षता कर रहे मजदूर नेता और संघर्षशील साथी भाई भोला यादव जी, आज जिस पर है उस पर कार्यक्रम में उपस्थित उस पर है गरीबों की आवाज, किसानों के, देश के बड़े नेता और संघर्ष की कोख की उपज आदरणीय सांसद राजाराम बाबू, मंचासीन अभिभावक और हमारे साथ 2001 में इस पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुके सम्मानित मुखिया गार्जियन जनेश्वर बाबू, राजद के नेता गार्जियन राम प्रवेश बाबू, हमारे अभिभावक आरजेडी के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे, हम लोग इनके नेतृत्व में काम किए हैं, अभिभावक मुंद्रिका बाबू, मंचासीन पूनम जी, हम लोग के बीच उपस्थित हैं विक्रमगंज से, और हमारे सांसद महोदय के चुनाव अभी करता रहे कॉमरेड अनुग्रह बाबू, उपस्थित माले नेता भाई अशोक जी, कृष्णा भैया, पिंटू जी, चंद्रमा पासवान जी, पत्रकार के रूप में हमारे लाइव इंडिया के सरवन जी, इस कार्यक्रम को सजाने संवारने वाले समाजसेवी और हमारे प्रिय छोटे भाई राधे यादव जी, उपस्थित रितेश शर्मा जी और जितने भी इस विस्थापित प्रभावित संगठन के जो सदस्य हैं और यहाँ उपस्थित जो जन समूह हैं, क्योंकि हम लोग सभी का नाम जानते हैं और आप सब लोग भी हमसे परिचित हैं, इसलिए समय अभाव में हम लोग चाहते हैं कि अपने सांसद महोदय को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे, इसलिए आप सबों को हम लोग सभी अतिथियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज यहाँ पे जो अभिनंदन समारोह का आयोजन आपने किया है, मैं समझता हूँ अभिनंदन के प्रथम चरण में आप लोग प्रथम हैं अपने बारून प्रखंड में, क्योंकि एक दिन सांसद महोदय आए थे, रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था खैरा में, लेकिन जो अभिनंदन समारोह होता है, जो रूपरेखा उसकी होती है, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रखंड में यह पहला अभिनंदन समारोह है। और जो आप लोगों ने जो तैयारी की थी, जो हम लोग को जानकारियाँ मिल रही थी, प्राकृतिक के मूड के चलते तैयारी में विघ्न आ गया और हम लोग खुले मैदान में नहीं कर सके, लेकिन आप सभी सदस्यों ने लगातार एक हफ्ता से जो इस तैयारी को अंजाम दिया था, उसके लिए जितने भी व्यास जी, राधे जी, भोला भाई और जितने भी आपके टीम के लोग हैं इस विस्थापित और प्रभावित के, वो सभी अभिनंदन के पात्र हैं। दोस्तों, निश्चित रूप से हम लोगों ने इस चुनाव में अपने सामूहिक प्रयास से एक ऐसे व्यक्ति को अपना सांसद बनाया है जो गरीब गुरबों की बात सोचते हैं, जो मजदूर के हक हकूक की लड़ाई शुरू से लड़ते आए हैं, और आप लोगों ने जिस उम्मीद से इन्हें बुलाया है, तो आप लोगों के इस मांग में मैं भी अपना समर्थन देता हूं, और व्यक्तिगत रूप से सांसद महोदय से हमारा भी ये निवेदन होगा कि बारून प्रखंड में आपसे जो बड़ी मांगे हम लोग को है और जो उम्मीद है, तो प्रमुख दो तीन चीज है, क्योंकि नली गली का काम कराने के लिए हम लोगों ने सांसद का चुनाव नहीं किया है,
उसमें सबसे प्रमुख मांग जो है यहाँ के विस्थापितों के समस्या का समाधान, और उसमें जिस तरह से संघर्ष का रास्ता आप अपनाएंगे, हम लोग बारून नबी नगर से लेकर आपके पीछे हम लोग खड़े रहने का कार्य कर रहे हैं। मुख्य रूप से जो मांगे इन लोगों को चुनाव के दरमियान जब इन्होंने बहिष्कार किया था तो जिला प्रशासन ने लिख करके कुछ मांगे को मांगा था, उस पर अमल हो जानी चाहिए। मैं जानता हूं कि जब हम लोग प्रबंधन से मांगते हैं तो सारी मांगे नहीं मिलती, लेकिन मुख्य चीज है जो CRS का जो पैसा है जो हमारा बाहर जा रहा है, यदि इस पर गंभीरता पूर्वक सांसद महोदय बैठक कर लेंगे और वो पैसा हमारे क्षेत्र में उसका सदुपयोग हो जाएगा, तो मैं समझता हूं कि सांसद महोदय को बारून नबी नगर में अपने विकास मद की राशि नहीं देनी पड़ेगी और उससे ही कई गांवों में विकास का कार्य हो जाए। दूसरा जो बड़ा मांग है हम लोग के पूरे प्रखंड का, वह सोननगर जंक्शन पे कई बड़ी रेल ट्रेन का ठहराव होता था, तो वो ठहराव कुछ दिनों से बंद हो गया है। उसके लिए भी हम लोग चाहेंगे कि आप पदाधिकारियों के साथ बैठ करके, या हम लोग को रेल पटरी पर बैठना पड़े तो वहां बैठ करके उन ट्रेनों को रुकवाया जाए, क्योंकि यह पूरे क्षेत्र के आम आवाम की मांग है। यह दो तीन बड़ी मांगे हैं जो यहाँ से फ्लाई एस्ट जा रहा है, क्योंकि वो तो ढोएगा, कंपनी की बात है, वो बंद नहीं होगी, उस पर यदि कोई गलत सोचते होंगे तो नहीं सोचेंगे, वो जाएगा, लेकिन जो उसका क्राइटेरिया है उसे फुलफिल करके ले जाए, बंद करके ले जाए और समय का निर्धारण करके ले जाए। और सांसद महोदय से इसलिए ज्यादा उम्मीद है क्योंकि हम लोग देखे हैं कि जब प्रतिनिधि बनते हैं तो प्रबंधन द्वारा प्रतिनिधियों को मैनेज करने का बहुत पुराना सिलसिला रहा, और जो मैनेज शब्द है हम मुझे कहने में जरा भी अतिशोक्ति नहीं है, क्योंकि मैं साफ कहना चाहता हूं कि वो हमारे सांसद को मैनेज कर ले, ऐसा कोई पदाधिकारी यहाँ NTPC में नहीं है और न इस जिले में। इसलिए आपकी लड़ाई मजबूती से सांसद महोदय लड़ेंगे, मगर एक बात आपको भी तय करना होगा कि अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठना होगा। जब भी प्रबंधन कुछ देने का होता है, हम लोगों ने देखा है आंदोलन के नाम पे कुछ नेतागण अपना सिद्ध कर लेते हैं, अपनी मांगे मंगवा लेते हैं। यदि आप किन्हीं से पैसा लेकर के नौकरी लगवाइएगा तो आप विस्थापितों की लड़ाई नहीं लड़ पाइएगा, क्योंकि आप वहां कमजोर हो जाइएगा। तो आप अपने स्वार्थ से ऊपर उठिए और पूरा लग करके आप जो बड़ा चीज है उसे लेने के लिए आप लोग आगे आए। और मैं समझता हूं कि जो आप लोग बना लीजिए कार्यक्रम, उसमें सांसद महोदय का जो दिशा निर्देश होगा उसमें पूरी हमारी जो महागठबंधन का पार्टी है, हम लोग सभी माले राजद सारे दल के लोग इनके साथ रहेंगे। और एक बात पुनः आप सबों को इस शानदार अभिनंदन समारोह के आयोजन के लिए कोटि कोटि नमन, अभिनंदन वंदन, और अपने सांसद महोदय का इस पूरे बारून प्रखंड की जनता की ओर से, क्योंकि कम समय आपने दिया था चुनाव में, अब हम लोग अभिनंदन के क्रम में आपको घुमाएंगे और हम लोग ले चलेंगे। इसी बात के साथ हम लोग अपना समय सांसद महोदय को देते हैं। जय हिंद, जय मजदूर और जय विस्थापित प्रभावित जनता।